यहां हमें डिफरेंशिएशन करना है log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x। ये क्वेश्चन ना तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, ना ही प्रोडक्ट रूल का है, ना ही डिवीजन रूल का है। इसमें लॉग के फंक्शन है और प्लस से सेपरेटेड है, दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे लॉग का कुछ फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को हमेशा की तरह वाई के इक्वल लीजिए, लिखिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स उसकी पूरी वैल्यू रख दिए। दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन में हम शो कर रहे हैं कि दोनों का अलग अलग हो रहा है क्योंकि प्लस से सेपरेटेड। अब यहां से लॉग का कुछ फार्मूला यूज होना शुरू होगा, जैसे हमें लॉग एक्स टू दी बेस ए का डायरेक्ट फार्मूला पता है, 1 बाय एक्स लॉग ऑफ ई टू दी बेस ऑफ ए। जो फार्मूला में आपने ऐसा देखा है वहां ए की जगह अभी हमको मिला हुआ है 10 आया हुआ, फिर भी इसको दो भाग में तोड़ रहे हैं। लॉग एक्स टू दी बेस 10 को लिख रहे हैं लॉग ऑफ ई टू दी बेस 10, जहां एक्स है वहां ई लिख दिया गया, और इनटू में लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई। देखो जो एक्स यहाँ था इधर साइड में दूसरे लॉग में आ गया और उसकी जगह ई है तो दूसरे लॉग में बेस ई है, ये समझो ये कैंसिल हो रहा है, लॉग एक्स टू दी बेस 10 जैसा ही है, ये आपको याद रखना है। लॉग एक्स टू दी बेस 10 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई टू दी बेस 10 इनटू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ऑफ ई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कॉन्स्टेंट टर्म में बिना एक्स वाला बाहर हो जाएगा, लॉग एक्स टू दी बेस ई का डिफरेंशिएशन पता है 1 बाय एक्स होता है, दोनों इंटू में ये ऊपर और ये नीचे, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया। सेकंड टर्म है लॉग ऑफ 10 टू दी बेस एक्स, यहां फिर एडजस्ट कर रहे हैं, 10 को आगे कर दिए नेक्स्ट लॉग में, यहां ई आ गया और इधर नेक्स्ट लॉग का ई आ गया, ये एडजस्टमेंट है। लॉग ऑफ ई टू दी बेस एक्स, 10 इधर चला गया दूसरे लॉग में और यहां बेस में ई कर दिए। अगले स्टेप में ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ ई टू दी बेस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, जिसका फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है लॉग ऑफ एक्स ऊपर होता ई नीचे रहता, तो कैसे करें, इसको वन अपान में लिखेंगे तो ये एक्स और ई का पोजीशन बदल जाएगा। अब लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन यहां लगेगा डिविजन रूल, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो यहां डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर में है 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का डिफरेंशिएशन इधर 0 होगा, 0 इंटू लॉग एक्स 0 हो जाएगा, ये बाहर के इंटू में वो रखा हुआ है, ये पहला रिजल्ट है आपका पहले टर्म का, ये लॉग एक्स लॉग ऑफ ई टू बेस बेस ऑफ 10 बाई एक्स, ये रिजल्ट लिखते जा रहे हैं, ये रिजल्ट वही है, ये रिजल्ट वही है, यहाँ का ये मल्टीप्लायर बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखा गया है, 1 इंटू लॉग एक्स टू दी बेस ई 1 बाई एक्स, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये टर्म 0 हो चुका आपका, माइनस 1 बाई एक्स बचा है, ये इंटू में है, आगे इसको x जो है ये सब इंटू में, x यहां नीचे लिखाएगा, माइनस प्लस का इंटू माइनस, लॉग ऑफ 10 टू दी बेस ई ऊपर 1 से इंटू के ऊपर रह गया ये x, इसके साथ डिनोमिनेटर में लिखा गया है क्योंकि इसकी पोजीशन यही आएगी। ये पहला रिजल्ट है जो आप यहां से हो चुका था उसको लिखते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आप तैयार रहें।